नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश आपका अपने YouTube चैनल रूफटॉप गार्डनर मुकेश में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का अपना विषय है काउडंग कंपोस्ट टी। जी, इसी के बारे में अपन बात करेंगे। इसका सबसे बढ़िया आसान तरीका आपको बताता हूँ। आप अपने घर के आसपास से कहीं पर भी जहाँ ये अवेलेबल हो काउडंग केक ले आइए। अब अपनी आवश्यकता के अनुसार जितने भी लाने चाहें, 1, 2, 4, 5 आजकल तो मार्केट में दुकानों पर भी ये मिलते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो ये आपको बाबा रामदेव के पतंजलि स्टोर से भी मिल सकता है, और नहीं तो किसी भी नर्सरी की दुकान से भी ये आप ले सकते हो। और आप करना क्या है, एक बड़ी सी कोई भी कंटेनर ले लीजिए, बाल्टी ले लीजिए, उसके अंदर आप इनको इस प्रकार से तोड़ लीजिए। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको बना सकते हैं। मैं फिलहाल 3 काउडंग केक लिए हैं। इन तीनों का तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में इकट्ठा कर रहा हूँ इस बाल्टी के अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यह सबसे आसान और सरल तरीके से बनने वाला फर्टिलाइज़र है, और सबसे ख़ास बात यह है कि ये 24 घंटे में बनकर तैयार हो जाता है और बिल्कुल ऑर्गेनिक है। किसी प्रकार का केमिकल का यूज़ नहीं है इसके अंदर, और मैं मेरे गार्डन में बिना केमिकल के इसको यूज़ करता हूँ। हाँ, कुछ एक पौधे ऐसे भी हैं, फ्लावरिंग प्लांट है, जिनके अंदर मैं केमिकल का भी यूज़ करता हूँ, लेकिन उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपको ये बताता हूँ कि इसके लिए आपको करना क्या है। इस प्रकार से आप इनको एक अरेंज कर लीजिए। जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको साइड में लगा दीजिए। पूरी बकेट बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैंने इसके अंदर करीब 3 काउडंग कंपोस्ट के केक लिए हैं, और इनके अंदर आप इतना पानी डालिए कि जिससे ये मॉइस्ट हो जाए और हल्का सा पानी ऊपर तैरने लग जाए। ये देखिए, मैंने इसके अंदर पानी डालना चालू कर दिया है। अब ये पानी धीरे धीरे इसके अंदर भर रहा है, और करना कुछ नहीं है आपको, बस पानी भर लीजिए और हल्का सा पानी इसके ऊपर आ जाए तब आप इसको पानी को बंद कर दीजिए। और आप इसकी क्वांटिटी के अनुसार पानी घटा या बढ़ा भी सकते हैं, और पानी अगर ज़्यादा भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको करना क्या है, 24 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देना है। तो दोस्तों, 24 घंटे बाद में आप देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये मैंने इसको निकाल के अलग कर लिया है। अब करना क्या है आपको, इसको 1:20 के अनुरूप, ध्यान से सुनिए, 1:20 यानी कि 1 लीटर आपको ये पानी लेना है, और 20 लीटर इसके अंदर नॉर्मल पानी मिलाना है, और आप अपने फ्लावरिंग प्लांट या वेजिटेबल प्लांट में दे। दोस्तों, जो काउडंग कंपोस्ट की पानी निकालने के बाद में जो ये वेस्ट बचता है, ये सबसे ऑर्गेनिक रिच फर्टिलाइज़र है। इसको आप एक एक मुट्ठी अपने फ्लावरिंग प्लांट, वेजिटेबल प्लांट सभी के अंदर दे सकते हैं, और आप इसको स्टोर करके रख लीजिए। हल्का सा मॉइस्ट भी रखें, सूख भी जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका। और सबसे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है, गुलाब के लिए, मोगरा के लिए, चंपा के लिए, और अभी जो समर हैं तो समर के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, वेजिटेबल है, उनके अंदर आप थोड़ा थोड़ा इसको दे सकते हैं। बहुत अच्छा रिच फर्टिलाइज़र है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।